लक्ष्य, कुछ देर में अब तक क्या कुछ चेंजेस वहां दिखे हैं, कितने राउंड की वोटिंग हुई है, क्या कुछ अंतर मार्जिनल नजर आ रहा है लक्ष्य? बिल्कुल बिल्कुल निधि, जैसे मैंने कहा था आपको पहले भी कि जो बाड़मेर है वो ना केवल हॉट सीट है बल्कि एक रोमांचक जो मुकाबला बना हुआ है। यहाँ पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल है वो कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल बताऊं आपको, 32,232 के मतों से लीड कर रहे हैं उम्मीदवार बेनीवाल, कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल जो RLP से कांग्रेस में आए थे और एक मजबूत प्रत्याशी थे। इस बार भाजपा और जो रविंद्र सिंह भाटी हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं दोनों को पिछाड़ के जो इस बार लीड कर रहे हैं, वही दूसरे पायदान पे रविंद्र सिंह भाटी हैं जो लगभग 32,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं 32,000 वोटों से जो उम्मीदवार बेनीवाल हैं वो आगे चल रहे हैं। मैं बात कितने करूं वोट वोट कितने कैलाश मिले चौधरी थोड़ा सा की, बता जो पाएंगे कैलाश चौधरी लक्ष्य? तीनों केंद्रीय तीनों मंत्री भी पार्टीज के रहे। उम्मीदवारों को जी वोट कितने कितने मिले हैं ये बता पाएंगे? ऐसा कुछ है आपके पास में अभी तक? जी जी बिल्कुल 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 नीतीश, जो अभी उम्मीदवार बेनीवाल को फिलहाल लगभग 85,000 वोट मिले हैं, 84,399 वोट उम्मीदवार बेनीवाल को मिले हैं। वहीं बात करूं रविंद्र सिंह भाटी की तो 52,167 वोट रविंद्र सिंह भाटी को फिलहाल मिल चुके हैं। वहीं कैलाश चौधरी की बात करूं तो 23,029 वोट कैलाश चौधरी को मिले हैं। कैलाश चौधरी जो एक मजबूत प्रत्याशी माने जाते हैं जो इस बार जीत के दावे कर रहे थे भाजपा, जहां 25 कमल खिलाने की बात कर रही थी, वहीं कैलाश चौधरी का पिछड़ना यहां एक बड़ा झटका है भाजपा के लिए। वहीं उम्मेदराम बेनीवाल जो बिल्कुल जीत की नजदीक जाते नजर आ रहे हैं, लगातार चार चरण पूरे हो चुके हैं मतगणना के, उस जो पांचवा चरण चल रहा है, पांचवा चरण में जो उम्मेदराम बेनीवाल हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं लगभग 33,000 वोट से उम्मेदराम बेनीवाल। मैं बताना तो चाहूंगा ये तो बात नीतीश, मेरी ऐसा हाल होता है कि ही कैलाश अभी चौधरी उम्मीदराम जी से बात हुई, उन्होंने जी ये जो रविंद्र सिंह भाटी है, दोनों के वोट को अगर मिक्स कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, तो ये उम्मीदवार बेनीवाल के बराबर होते हैं, तो ये एक तरीके से बिल्ली के भागे से छीका फूटा वाली बात तो नहीं होगी उम्मीदवार बेनीवाल के लिए लक्ष्य? बिल्कुल 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 सही कहा नीतीश, परंतु जो जो अकेले उम्मीदवार जिस प्रकार भारी पड़ रहे हैं ये कैलाश चौधरी के लिए संकट का विषय है। परंतु जो मैं बात करूं निर्दलीय की, जैसे कि हमने रविंद्र सिंह भाटी से पहले बात भी करी, तो रविंद्र सिंह भाटी कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। जो पिछले जो आ, आ, जितने जो चरण चल रहे हैं मतगणना के, पिछले चरणों में रविंद्र सिंह भाटी और उम्मीदवार बेनीवाल में कड़ी टक्कर देखी नजर आ रही है। वहीं मैं बात करूं भी हाल ही में जब उम्मीदवार बेनीवाल मतगणना केंद्र पहुंचे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो युवाओं को लेकर जो उनके मुद्दे हैं, बेरोजगारी को लेकर मुद्दे हैं, उसको लेकर वो लोकसभा में अपनी बात उठाएंगे। और इस बार उन्होंने बिल्कुल विश्वास जताया कि पूरे मजबूती के साथ में वो सत्ता में आ रहे हैं बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट से। जी नीतीश, लक्ष्य एक बात जो हम रविंद्र सिंह भाटी के संबंध में कही जा रही थी, क्योंकि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान रविंद्र सिंह भाटी के साथ में युवाओं का एक बहुत बहुत बड़ा हुजूम नजर आता था, और आपका कहना यह भी था कि मतगणना केंद्र पर भी एक बहुत बड़े हुजूम के साथ में वो साथ में नजर, लेकिन इसके बावजूद वो क्या अब ये कहा जा सकता है, आपके स्थानीय लोगों से भी बात हुई होगी कि क्या वो युवा लोगों का जो हुजूम था वो प्रायोजित था और वो वोट में परिवर्तित नहीं हुआ है? देखिए बिल्कुल बिल्कुल गौरव, मैं 2 दिन से बाड़मेर में हूं और बाड़मेर में मेरी जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के मतदाता हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। जो यहाँ के मतदाता हैं उनका कहना है जो कैलाश चौधरी हैं वो पिछले कार्यकाल में ग्राउंड से थोड़े दिखे नहीं, ग्राउंड में नजर नहीं आए, जो आम जन की समस्याएं हैं उसमें थोड़े दूर नजर आए। वहीं रविंद्र सिंह भाटी जो एक बहुचर्चित चेहरा है, जिनके युवाओं का एक बेहतरीन सपोर्ट जिनको मिला हुआ है, आज मतगणना केंद्र पर भी युवाओं के भारी हुजूम के साथ वो पहुंचे। वहीं बात को उम्मेदराम बेनीवाल का जो स्थानीय सपोर्ट है वो नजर आ रहा है, क्योंकि जो आम जो स्थानीय मतदाता है उनका कहना है कि इस बार के जो जिस प्रकार की कैंपेनिंग उम्मीदवार बेनीवाल ने की है उसका असर इस प्रकार जो भी जो रुझान सामने आ रहा है देखने को मिल रहा है। वहीं कैलाश चौधरी की बात करूं तो कैलाश चौधरी लगातार टफ फाइट करते नजर आ रहे हैं। हाल अभी फिलहाल 6,000 वोट से कैलाश चौधरी पीछे चल रहे हैं। वहीं बात करूं रविंद्र सिंह भाटी की तो रविंद्र सिंह भाटी 33,000 वोटों से पीछे और 33,000 वोटों से लगभग उम्मेदवार बेनीवाल आगे चल रहे हैं बाड़मेर लोकसभा सीट से। जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा और हर समय के अपडेट हमें देते रहिएगा। लक्ष्य, इस समय हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।